हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगी, मस्त होगी। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं रेडी हूँ। यस, हम जा रहे हैं बाहर और काफ़ी टाइम हो गया था, गुरु कहीं गया नहीं था। तो मौसम भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, काफ़ी टाइम से यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। तो गर्मी में बच्चों को ले जाना, डिहाइड्रेशन को इन्वाइट करना है, तो इसलिए मैं कहीं लेके जाती नहीं हूँ गुरु को। और घर पे ही इतनी वर्कआउट हो जाती है शोना की, मेरे घर पे ही बहुत सारी एक्सरसाइज और रनिंग वनिंग। बच्चे तो इतने एक्टिव रहते हैं तो उनका घर पे ही काफ़ी सारा स्वेटिंग हो जाती है, तो उनको पानी प्रॉपर देते रहना चाहिए। सो दिन में तो मेरा जाना पॉसिबल हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। और अभी भी मैं जा रही हूँ, इस समय बज रहा है 7, तो इवनिंग का 7 बज रहा है। और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो ब्लॉग में बने रही और मैं आपको गुरु से मिलवा देती हूँ। तो गुरु काम यार, देखो कौन है, सबको हेलो बोलो, हेलो नमस्ते कर दो, जय श्री राम कर दो, जय श्री राम बता दो। हम घूमी घूमी करने जा रहे हैं, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, हम घूमी करने जा रहे हैं पापा के साथ, मम्मा के साथ ना। तो आजकल इनको फोन मैं ऐसे स्क्रॉलिंग करना अच्छा लगता है। वैसे मैं फ़ोन तो उसको देती ही नहीं हूँ, ये तो मेरी फैमिली में आई थिंक फर्स्ट चाइल्ड ऐसा होगा जो फ़ोन यूज़ नहीं करता है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, खाना भी फ़ोन देख के खाना है, और कहीं भी अगर घूमने जा रहे हैं तब भी बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया जाता है कि बच्चे अपने बिज़ी हैं, पेरेंट्स अपने में बिज़ी हैं। और तो ये अच्छा नहीं है, और आप खुद के कम्फर्ट जोन के लिए बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। बच्चे बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, आप उनको उनके सामने जो भी कुछ कर रहे होते हैं बच्चे तुरंत कैच करते हैं। इसलिए मैं गुरु के सामने भी फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ। रेयरली होता है किसी को कॉल आ गई या अर्जेंट मैसेज आ गया तो मैं रिप्लाई वगैरह ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन मैं उसके सामने कभी भी फ़ोन लेकर स्क्रॉलिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि उसको पता है कि जो मम्मा कर रही है वो हमें करना है, या जो कोई और भी कर रहा है घर में और भी लोग हैं वो कर रहे हैं, वो मुझे भी करना चाहिए, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। तो आप भी ऐसा ही करिए और अपने बच्चों को थोड़ा उनके कंफर्ट जोन में रहने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए लाइफ को। छोटी सी तो लाइफ है, एंजॉय करने दीजिए। फिर बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, बड़े हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, फिर वो अपनी दुनिया में बिजी रहेंगे। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे डेस्टिनेशन पे पहुंचकर, और देखते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं। आपको हिंट दे देती हूँ, मैं ओपन एरिया में जा रही हूँ इस बार, क्योंकि जहाँ पे मैं जाती हूँ वहाँ पे इस समय कुछ रिनोवेशन का वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं मॉल में। तो मैंने सोचा है आज मौसम भी अच्छा है और इनके जो पापा हैं वो आज फ्री भी हैं, वो काफ़ी बिजी रहते हैं तो आज वो फ्री हैं, तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग में बने रहिए और अपना खूब सारा प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, कैच यू लेटर, जाइएगा नहीं, ब्लॉग में बने रहिएगा, बाय बाय। अभी हम लोग निकल चुके हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये रहे गुरु के पापा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ओके बने रहिए। गुरु ये रहा, गुरु कैसे बेटा। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, अगर आप लखनऊ में हैं तो आपको तो ज़रूर मुस्कुराना है, और अगर आप कहीं और हैं तब भी आपको मुस्कुराना है, क्योंकि हंसते रहने से लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। तो एंजॉय करने के लिए हम आ गए हैं लखनऊ के गोमती नगर एरिया में, और यहाँ पर आपको हर तरह के प्लेसेस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर मॉल मिल जाएगा जहाँ पर आप मूवी, शॉपिंग और स्नैक्स, फ्रूट वगैरह इंजॉय कर सकते हो। साथ में यहाँ पर पार्क हैं
और स्ट्रीट फूड के लिए चटोरी गली है, तो अगर आप चटोरी गली जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर 10 चौराहे पर आइए और आपको चटोरी गली मिल जाएगी। बट हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव, यस हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 4-व्हीलर 2-व्हीलर कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए काफ़ी सेफ है। तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ भी आ सकते हो, बच्चों के साथ भी आ सकते हो, फ्रेंड के साथ भी आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। सो देखिए कितना ओपन एरिया है, बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। सो यहाँ पर हम आ गए हैं और आपको बस वॉच करना है और बच्चा इंजॉय करता रहेगा। मरीन ड्राइव के जस्ट अपोजिट में गोमती नदी है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता है शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर बहुत ही ठंडा और कोजी सा एटमॉस्फेयर है, तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आप आगे व्लॉग में देखिएगा गुरु ने कितने सारे फ्रेंड्स बनाए और जितने भी लोग थे वो गुरु को कैसे प्यार कर रहे थे और गुरु भी इंजॉय कर रहा था। गुरु सबसे बहुत ही जल्दी फ्रेंडशिप कर लेता है और काफ़ी इंजॉय करता है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। सो जस्ट सामने देखिए अम्बेडकर पार्क है और कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स वगैरह ऑन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं वहाँ पर इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पर स्टेयर्स हैं, टाइल्स हैं और मार्बल है, जिससे कि बच्चे का पैर स्लिप हो सकता है क्योंकि बारिश हुई थी अभी, तो इस वजह से मैं वहाँ नहीं गई। और काफ़ी वॉच भी करना पड़ता है वहाँ पर, बच्चों में रिस्ट्रिक्शन अगर लग जाते हैं तो बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और साथ में गुरु स्नैक्स वगैरह भी खा रहा है, तो गुरु बिस्किट पानी वगैरह भी पीता जा रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो बच्चों के साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चे जब रन करते हैं, खेलते हैं तो स्वेटिंग होती है और अगर आप पानी प्रॉपर नहीं दोगे तो बच्चे थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं। तो बीच बीच में आपको बच्चे को स्नैक्स भी देते रहना है, पानी भी देते रहना है। तो आगे देखिए क्या हुआ गुरु के साथ अभी और गुरु ने क्या रिएक्शन दिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्यों ना? यहाँ पर ये भी जो स्ट्रेंजर्स थे वो गए और गुरु काफ़ी वहाँ पे इंजॉय कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो गुरु से बात करते हैं। लेकिन गुरु ने वहाँ पर गुस्सा दिखाया और फिर बाद में गुरु उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगा। गुरु को फ्रेंडशिप करनी है इसलिए, तो गुरु पीछे पीछे भाग रहा है वहाँ पर। यहाँ पर गुरु पापा के साथ इंजॉय कर रहा है अपने। तो जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो हमें भी पता लगता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या इमोशंस हैं, क्या क्या बच्चे करना चाह रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी है। इसलिए बच्चों के साथ आपको बाहर ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि बच्चे एक्सप्लोर करते हैं और उनका डेवलप होता है, मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। सो व्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करिए, देखिए बच्चे किस तरह से सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बाय। देखो इनके फ्रेंड्स मिल गए इनको, जहाँ जाते हैं फ्रेंडशिप करने लग जाते हैं। यहाँ भी उन्होंने फ्रेंड्स बना दिए। हाय 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 हाय। नहीं है, गंदा गंदा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस और हो सकता है उससे पहले हम लोग कहीं और भी जाएं, तो कहाँ जाते हैं उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर तो गुरु ने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, इंजॉय किया और लोगों ने भी गुरु के साथ बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन किया, तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और अभी हम लोग आ गए हैं मैगी पॉइंट पर, तो यहाँ पर हम लोग बनवा रहे हैं सिंपल सी मैगी। तो ये रही हमारी सिंपल सी मैगी। और अभी आगे आप देखिएगा, अगर आप न्यू मॉम है, आपका बीबी भी छोटा है, तो आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि आप कुछ खा रहे हो और स्पून जस्ट आप अपने मुंह के पास ले जा रहे हो और बच्चा सोचता है कि वो आप उसको दे रहे हो, लेकिन वो आप उसको नहीं देते हो और ख़ुद खा लेते हो। तो बच्चे का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इस समय गुरु का है। तो गुरु को लगा था कि मैं उसको खिलाऊंगी, लेकिन मैं उसको नहीं खिला रही हूँ, वो अपना बिस्किट इंजॉय कर रहा है। पतिदेव को भी मैं खिला रही हूँ क्योंकि पतिदेव बिज़ी हैं, उनका वर्क शेड्यूल बहुत ही बिज़ी रहता है। सो यहाँ पर मैगी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए पतिदेव ने बोला कि बिल्कुल बेकार है, बट अब लिया है तो खाना तो पड़ेगा ही। सो अभी हम जा रहे हैं कहीं और, देखिए कहाँ जा रहे हैं, व्लॉग में बने रहिए है।
तक गुरु की मस्ती एंजॉय करिए। बोलो पापा मम्मा अम्मा अम्मा चाचा मामा बुआ बुआ फूफा नाना 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 फूफा फूफा मिम्मी मिम्मी दीदी मिम्मी बेबी बेबी भाई ऐशो नलाला बेबी। सो अभी हम आ गए हैं आशियाना और आशियाना में है तंबुलम पान कैफ़े और यहाँ पर फ्रेश लाइव पान बनाते हैं और आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर्स ऐड करा सकते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर पान की, आप एक अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए और बहुत ही टेस्टी पान लगे मुझे यहाँ के। सो यहाँ पर मैंने ट्राई किया है फायर पान जो बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था, तो मुझे तो अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। सो आगे ब्लॉग में आप देखिएगा, ये देखिए कितने सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर्स ऐड करा सकते हो और बहुत ही डिलीशियस पान बनाते हैं ये। तो ये भैया यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जला क्या बट इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैंने भी यहाँ पर ट्राई किया और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पहले तो लग रहा था कि डर लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, सिंपल है और पान भी बहुत डिलीशियस है। आप भी आइए, ट्राई करिए, इंजॉय करिए। तो अभी हमने फायर पान एक्सपीरियंस किया, बहुत ही अच्छा था और चलते हैं अब हम लोग घर वापस। सो अभी हम लोग घूम के आ गए हैं और मस्ती कर रही है बहुत सारी, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। गुरु वहाँ पे बोल दो बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो अपना खूब सारा प्यार दो, बाय बाय। अभी हम लोग फिर से आ गए स्कूटी पर, गुरु देख रहा है मून 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 आ गया मून 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 आ रहा मून, ये मून है अभी आएगा, ये मून कहाँ गया, मून कहाँ गया, ओ गया मून।